नेपाल और मालदीव्स के बीच हो रहे आज के मैच में एक बार फिर नेपाल के खिलाड़ियों ने विश्व क्रिकेट में तहलका मचा दिया है। बताएं कि इस बार दीपेंद्र सिंह या कुशल मल्ला नहीं, इस बार नेपाल के एक गेंदबाज ने क्रिकेट के इतिहास में तहलका मचा दिया है। बताएं कि एशियन गेम्स के ग्रुप स्टेज मैच में आज नेपाल टीम के सामने मालदीव्स टीम खेल रही थी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल की टीम ने 212 रनों का एक विशाल लक्ष्य मालदीव्स के सामने रखा था, जिसके जवाब में मालदीव्स की टीम 19.3 ओवर में कुल 74 रन ही बना पाई और नेपाल की टीम मैच को 138 रनों से जीत ली। और इस जीत के साथ साथ नेपाल के गेंदबाज ने पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी एक अलग जगह बना ली है। बताएं कि इस मैच के दौरान नेपाल के गेंदबाज अविनाश वोरा ने अपने कोटे के 3.4 ओवर में कुल 11 रन देकर 6 विकेट हासिल किए और इसके चलते नेपाल के इस खिलाड़ी ने विश्व क्रिकेट में बेस्ट T20 बॉलर की सूची में 7वें नंबर पर अपनी जगह बना ली है, जिस सूची में भारत के दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार, श्रीलंका के अजंता मेंडिस जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। अब उस सूची में नेपाल के इस खिलाड़ी का नाम भी दर्ज हो गया है। तो हाल ही में एशियन गेम्स के इस मैच के दौरान नेपाल की टीम जिस प्रकार की वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते आ रही है, माना जा रहा है कि अगले कुछ ही सालों में नेपाल की टीम भी बहुत ही जल्द विश्व क्रिकेट में एक अच्छे स्तर पर होगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या नेपाल की टीम इस बार एशियन गेम्स का खिताब जीत सकती है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।